नमस्कार। डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, टीम इंडिया के साथ धोखे पर आईसीसी को मांगनी पड़ गई माफी, इस बात को लेकर मच गया बवाल। दरअसल बड़ी खबर है कि टीम इंडिया के साथ बुधवार को बड़ा धोखा हो गया और वो भी आईसीसी की तरफ से। टीम इंडिया के साथ धोखे पर अब आईसीसी को माफी मांगनी पड़ गई, इस बात को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल आईसीसी की तकनीकी गलती की वजह से टीम इंडिया को बुधवार को जारी लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन टीम बनने के बाद महज 6 घंटों के अंदर फिर से दूसरे नंबर पर खींच गई। आईसीसी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, आईसीसी स्वीकार करता है कि 15 फरवरी 2023 को थोड़ी समय के लिए एक तकनीकी गलती के कारण भारत को आईसीसी की वेबसाइट पर दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम के रूप में प्रदर्शन किया गया था। इस असुविधा के लिए हमें खेद है।